नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मोबाइल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज कक्षा दसवीं में मैं हिंदी के स्पर्श पाठ्य पुस्तक से पाठ तीन तथा रव अमीरो कथा में प्रश्न अभ्यास के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। आइए, तथा रव अमीरो कथा में हमने पूर्व वीडियो में बताया था कि किस प्रकार तारा व अमीरो के बलिदान से अंडमान निकोबार में जो पुरानी परंपरा चली आ रही थी वह परिवर्तित हो गई और लोग एक दूसरे गांवों में विवाह के लिए और अन्य सामाजिक कार्यों के लिए आना जाना प्रारंभ कर दिए। आइए देखते हैं प्रश्न अभ्यास। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक दो पंक्तियों में दीजिए, लगभग 20 से 30 शब्दों में। ततारा व अमीरो कहाँ की कथा है? तो ततारा व अमीरो लिटिल अंडमान और कार निकोबार द्वीप समूह के विभक्त होने की लोक कथा है। व अमीरो अपना गाना क्यों भूल गई? तो व अमीरो अपना गाना क्यों भूल जाती है हम देखते हैं। अचानक एक ऊंची लहर उठी और उसने व अमीरो को भिगो दिया, जिसकी वजह से वह हड़बड़ाहट में गाना भूल गई। ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा प्रश्न देखिए, ततारा ने वामीरो से क्या याचना की? तो ततारा ने वामीरो से अगले दिन उसी चट्टान पर आने की याचना की। ततारा और वामीरो के गांव की क्या रीति थी? ततारा और वामीरो के गांव की रीति के अनुसार वैवाहिक संबंध बनाने के लिए लड़के और लड़की दोनों का एक ही गांव का होना आवश्यक था। इस प्रकार से ततारा और वामीरो के गांव की यह रीति थी। पांचवा प्रश्न, क्रोध में ततारा ने क्या किया? तो ततारा ने क्रोध का समन करने के लिए अपनी लकड़ियों की तलवार निकालकर पूरी शक्ति से उसे धरती में घोंप दिया और ताकत से उसे खींचकर धरती को दो टुकड़ों में विभाजित कर दिया। आगे देखते हैं। दूसरा प्रश्न, 25 से 30 शब्द में उत्तर लिखना है इसके। ततारा के तलवार के बारे में लोगों का क्या मत था? तो ततारा के पास एक लकड़ी की तलवार के बारे में लोगों का मानना था कि लकड़ी की तलवार होने के बावजूद उस तलवार में दैवीय शक्तियाँ थीं। ततारा उसे कभी भी दूसरों के सामने उपयोग नहीं करता था, किंतु उसके साहसिक कारनामे बेहद चर्चित थे। ततारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य वाली थी। इस प्रकार ततारा की तलवार में लोगों का यह मत था कि उसके तलवार में दैवीय शक्तियाँ थीं। दूसरा प्रश्न देखते हैं, वामीरो ने ततारा को बेरुखी से क्या जवाब दिया? जब वामीरो ने हड़बड़ाकर अपना गीत बंद कर दिया, तब ततारा ने उसे अपना गीत पूरा करने की याचना की। इस पर वामीरो ने उसे बेरुखी के साथ जवाब दिया कि पहले वह बताए कि वह कौन है जो इस तरह घूर रहा है और ऐसे असंगत प्रश्न पूछ रहा है, एवं वह अपने गांव के अलावा किसी और गांव के युवक के प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। प्रश्न तीसरा देखिए, ततारा और वामीरो की त्याग नहीं मृत्यु से कार निकोबार में क्या परिवर्तन आया? तो इसका उत्तर है, ततारा वामीरो की त्याग नहीं मृत्यु के बाद वहां के लोगों में यह सुखद परिवर्तन आया कि अब निकोबारी दूसरे गाँव में भी आपसी वैवाहिक संबंध बनाने लगे हैं। तो इस प्रकार से ततारा व अमीरो की त्यागमय मृत्यु से कार निकोबार में यह परिवर्तन आया कि लोग आपसी वैवाहिक संबंध बनाने लगे हैं। प्रश्न चार देखिए, निकोबार के लोग ततारा को क्यों पसंद करते थे? ततारा बहुत नेक ही था, मददगार था, सदैव दूसरों की सहायता करने के लिए तत्पर रहता था। अपने गाँव वाले के साथ समूचे द्वीपवासियों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था। इसी के कारण वह बहुत चर्चित था, इसलिए लोग उनका आदर भी करते थे।
आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अब अगले प्रश्न 50 से 60 शब्द वाले निकोबार द्वीप समूह के विभक्त होने के बारे में निकोबारियों का क्या विश्वास है। तो निकोबार द्वीप समूह के विभक्त होने के बारे में निकोबारियों का विश्वास है कि दोनों द्वीप पहले एक थे और वहाँ एक ततारा व अमीरो नाम के युवक और युवती रहते थे। दोनों बेहद प्रेम करते थे, वैवाहिक संबंध हो नहीं सके, इस कारण ततारा और वामीरो के जो प्रेम संबंध थे वे टूट गए और द्वीप अलग अलग दो हिस्सों में बट गया और उनकी इस प्रेम कहानी ने वहाँ के लोगों की सोच और वहाँ की रूढ़िवादी परंपरा को भी बदल दिया। दूसरा प्रश्न, ततारा खूब परिश्रम करने के बाद कहाँ गया, वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। ततारा दिन भर के अथक परिश्रम करने के बाद कहाँ जाते हैं, समुद्र के किनारे जाते हैं। समुद्र का किनारा बहुत ही सुंदर था, सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में लौट रहे थे, चहचहा रहे थे, आसमान डूबने से और सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणें मनमोहक लग रही थी। तीसरा प्रश्न देखिए, वामीरो से मिलने के बाद ततारा के जीवन में क्या परिवर्तन आया। तो वामीरो से मिलने के बाद ततारा के गंभीर और शांत और सुखी जीवन में बेचैनी छटपटाहट होने लगी। वामीरो को हमेशा याद करने लगे, उन्हीं के बारे में सोचने लगे और सम्मोहित होकर वह रोज शाम को उनसे चट्टान पर आकर मिलने के लिए आतुर रहने लगे। चौथा प्रश्न, प्राचीन काल में मनोरंजन और शक्ति प्रदर्शन के लिए किस प्रकार के आयोजन किए जाते थे। प्राचीन काल में टेलीविजन, रेडियो ये सब नहीं हुआ करता था, तो विभिन्न पशु पर्व, मेला, कुश्ती प्रतियोगिता, संगीत सभा आदि का आयोजन करते थे और उसमें कुश्ती भी होती थी, साथ साथ पूरे गांव को खाने के लिए भोजन की पूरी व्यवस्था भी होती थी। पांचवा प्रश्न, रूढ़ियां जब बंधन बन बोझ बनने लगे तो उनका टूट जाना ही अच्छा है, क्यों स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है, रूढ़ियां जो रूढ़िवादी परंपरा है वह जब लोगों को बोझ न लगने लगे तो वह टूट जाना ही अच्छा है, क्योंकि जो गलत रूढ़ियाँ होती है वह लोगों को मजबूरी में सहनी पड़ती है और हमारा जो रहन सहन है, आने वाले जो समय है उनमें समय के अनुसार हमको अच्छे चीज़ों को ग्रहण करना चाहिए। इसलिए इस पाठ में यही कहा गया है कि रूढ़ियाँ जब बंधन बने तो उनका टूट जाना ही अच्छा है। आशा करता हूँ कि आपको ये जो प्रश्न अभ्यास है अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब आशा स्पष्ट करना है, जब कोई राह ना सूझी तो क्रोध का समन करने के लिए उसमें शक्ति भर उसे धरती में घोंप दिया और ताकत से उसे खींचने लगा। तो जब पशु मेला हो रहा था तो वहाँ मीरों की माँ और गांव वाले सभी ततारा का अपमान कर रहे थे, उस समय वह अपने आप को अपमानित समझ कर क्रोध के मारे अपने जो दैवी तलवार थे उनको क्या कर दिए, धरती पर घोंप दिए। इस प्रकार धरती पर घोंप कर वह उनको खींचने लगे। ऐसी स्थिति में कुछ नहीं सूझा, इसलिए उन्होंने अपने क्रोध को शांत करने के लिए तलवार से जमीन को दो टुकड़ों में विभाजित कर दिया। दूसरा, बस आस की एक किरण थी जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। इस पंक्ति में यह बताया गया है कि ग्रामीणों की प्रतीक्षा करते हुए ततारा के बेचैन मन की स्थिति का वर्णन किया गया है और उसका मन इसी उधेड़ बुन में लगा हुआ है कि वामीरो उससे मिलने आएगी कि नहीं आएगी। उसे अपने मन की आशा डूबते हुए सूरज की तरह लग रहा था, जैसे धीरे धीरे, जैसे समय निकल रहा हो, वैसे वैसे सूरज की तरह डूबते जा रही थी। तो बच्चों, आपको ये जो प्रश्न अभ्यास है अच्छे से समझ आया होगा आशा करता हूँ। अब अपनी अभ्यास पुस्तिका निकाल कर इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे अपनी परियोजना पुस्तिका में। ततारा व अमीरो कथा को चित्रात्मक रूप में अंकित कर अपनी परियोजना पुस्तिका में लगाइए। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में अगले विषय के साथ पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।